हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सीजन की सब्जी जो कि है कटहल। और इसी सीजन में यह कटहल आता है, सर्दियों में नहीं आता है। तो आप देख रहे हो कितना स्पाइसी टेस्टी माउथ बटरिंग हमारे यहाँ कटहल बना है। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए लास्ट तक, तो आप भी इस तरह का टेस्टी माउथ बटरिंग कटहल बना पाओगे। इसे आप चावल रोटी किसी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कटहल को मैंने इस तरह से कट कर लिया है पीसेस में। तो आप जो कटहल है इस तरह से कट कर लीजिएगा। मैं कट करने वाला वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं खुद यह कटहल नहीं काटती हूँ, अपने पति से कटवाती हूँ। उन्हें ही यह कटहल बहुत पसंद है तो हर गर्मियों में यह कटहल बनवाते ही हैं। तो सबसे पहले हम कटहल को काट कर और इसे हम फ्राई करेंगे। तो काटने के बाद आप कटहल को वॉश नहीं कीजिएगा, उससे पहले ही अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कटहल में पानी रहा तो उसे इस तरह फ्राई करने में दिक्कत आएगी। या आप कटहल को बॉईल करके भी बना सकते हो, बट मैं बॉईल नहीं करती, इस तरह से फ्राई करती हूँ। तो ऑयल में हम सारा कटहल डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए बीच बीच में फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक या जब तक यह 80 से 19% तक कुक ना हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो कटहल है हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये 90 से 80% तक कुक हो चुका है। तो इस स्टेज पर इस कटहल को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे और अब इसी तेल में हम कटहल के लिए ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए हम कुछ खड़े मसाले यूज करेंगे, जिसमें एक तेज पत्ता, एक चम्मच जीरा, एक चक्री फूल, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्ची। अब इन मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे जिससे इनका फ्लेवर ऑयल में आ जाए और फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे। अब कुछ सेकंड मसाले भून चुके हैं, अब इसमें हम बारीक चौकी हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डालेंगे। और फ्रेंड्स, कटहल में आप अपने मसाले जो है ग्रेवी के हिसाब से यूज़ कीजिएगा, कितनी ग्रेवी बना रहे हो, कितना कटहल यूज़ कर रहे हो। अब इन सभी चीज़ों को हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। और अब इसमें इस तरह स्लाइस की हुई अनियन डालेंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज की अनियन ली हैं, तो इन्हें भी अब इस तेल में डाल देंगे। अब इस अनियन को ही मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक, और बीच बीच में चलाते रहना है। इधर हम एक बाउल में ग्रेवी में जो मसाले यूज होने वाले हैं वो निकाल लेते हैं, जिसमें हम 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी डालकर इसे हमें थोड़ा सा भिगोकर रखना है, जिससे जो मसाले हैं अच्छे से फूल जाते हैं और ग्रेवी में एक अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब आप देख रहे हो फ्रेंड, जो अनियन है हल्की सी गोल्डन ब्राउन भुन चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें बारीक चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर डाल देंगे। तो आप टमाटर को या तो मिक्सी के जार में भी पीस सकते हो, बट आप इस तरह बारीक चॉप करके ही डालोगे तो ग्रेवी बहुत अच्छी लटपटी सी बनेगी। और टमाटर के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और टमाटर को भी हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेना है। फ्रेंड्स, इधर जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इस स्टेज पर हमने जो मसाले भून कर रखे थे वह डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इन मसालों को हमें भूनना है। तो यहाँ पर फ्रेंड, जो ऑयल है हमने इसमें कटहल तला था, इसलिए जो ऑयल है थोड़ा सा झाग छोड़ रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कहूँगी ऑयल अगर आपको कम रखना है, मसाला कम करना है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जितना मसाला ऑयल मैंने यूज़ किया है आप उतना ही करो। अब इन मसालों को हमें 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे जो मसाले हैं अच्छे से भुन जाए, उनका फ्लेवर अच्छा हो जाए। मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं, इसने ऑयल रिलीज कर दिया, आप देख रहे हो। अब इस स्टेज पर इसमें हम कटहल डाल देंगे पूरा, और अब कटहल को मसाले के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कटहल पर मसाले अच्छे से कोट हो जाए। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने जो पानी है 1.5 कप से 2 कप यूज किया था। आपको कैसी ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से ही पानी ऐड करें। चावल के साथ तो थोड़ी ग्रेवी होती है तो ही अच्छी लगती है। अब कटहल को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, जिससे कटहल जो है पूरी तरह से अच्छे से गल जाए।
5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स जो कटहल है हमारा अच्छे से पक चुका है और कितना अच्छा कलर आया है। और जो ग्रेवी है बिल्कुल परफेक्ट बनी है, क्योंकि चावल के साथ खाने के लिए इतनी ग्रेवी तो होती है। अब इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और डाल देंगे, इससे फ्लेवर और अच्छा आता है। और आपके पास धनिया है तो आप बारीक चॉप करके धनिया भी डालें। अब मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बंद करके चलिए इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, अब इसे आप चावल रोटी के साथ इंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय एंड टेक केयर।